आइए। अगर आपको ये लगता है कि मेरी बातें ठीक नहीं हैं, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और आपको फिर भी रोड पर आना पड़ेगा, तो मैं आपकी गुलामी करूँगा। आप कहोगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, ये पूरी ईमानदारी से कहता हूँ। लेकिन नमस्कार, आज हम लोग हैं बुक फेयर के अंदर, हमारे साथ मुलाकात हो रही है श्याम भंडारी की, जो बहुजन समाज की हमेशा बात करते थे। श्याम जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने वाले सुनने वाले सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी को जय भीम। हाँ श्याम भाई, आप 19 तारीख के आंदोलन में पहुँचे थे जिसमें गुरु घर को तोड़ दिया गया था, 21 तारीख के आंदोलन में भी बड़े सैलाब के साथ आप पहुँचे हुए थे, तो क्या बहुजन समाजों की ऐसे ही मूर्तियां तोड़ती रही जाएंगी, बहुजन समाज के मंदिरों को ऐसे गिरा दिया जाएगा, और बहुत सारे होते हैं जो बहुजन समाज के ऊपर शोषण होते हैं, वो कब तक ऐसे चलते रहेंगे? देखिए, बहुजन समाज अभी गुमराह है थोड़ा सा, उनको ये वास्तविकता नहीं पता कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। अगर आप देखिए, गुरु घर का जब ये मुद्दा आया, जब उनको गिराया गया, एक भी हिंदू संगठन वहाँ नहीं था। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि हमारे संत शिरोमणि जी हिंदू नहीं हैं और बहुजन समाज हिंदू नहीं है। अगर होते तो उन लोगों को दुख तकलीफ़ होती, वो हमारे साथ होते, लेकिन सिर्फ हम ही लोग थे, वो लोग नहीं थे। तो हम जो गुमराह हो रहे हैं, हमें एक दिशा को समझना पड़ेगा। हमें जो जातियों के नाम से अलग अलग जो बांटा गया है कि आप इससे ऊँचे, आप उससे नीचे, आप इसका पानी पी लोगे तो आपका धर्म खराब हो जाएगा, जबकि हमें ये आवरण ऐसा पहना दिया गया है जिसके गुमराह में हमारे लोग गलत दिशा में हैं। और गुरु घर में जितने भी गुरु घर हमारे देश में बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि गुरु घर हमारे हमेशा मानवतावादी को विचारधारा को लेकर चले, जाति पाति को ख़त्म करने की बात की, सभी को, गरीब को, सभी को, अमीर को, सबको एक साथ अन्न मिले और तभी रविदास जी प्रसन्न रहते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। और ये सारी चीज़ें उनकी जो विचारधारा थी उसमें कुछ लोग जो हमारे बीच में पालतू तीतर होते हैं, जो मनुवादियों के गुलाम होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे बीच में उन काल्पनिक देवी देवताओं को, जो हमारा शोषण का कारण है, उनको वहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। आपने देखा होगा रविदास जी के जितने भी आश्रम, जितने भी मंदिर हैं, पहले वो सिर्फ रविदास जी की ही रहा करते थे, लेकिन आज उसके अंदर 33 करोड़ों में से कुछ उसमें प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं और फिर उनको एक झूठ के आवरण में उनको लगातार डोज दी जाती है, नशे की दी जाती है कि भाई ये धर्म का नशा है, तुम हिंदू हो, तुम गणेश जी को पूजो, तुम इसको पूजो, तुम इनको पूजो, और ये हम क्या है, मूल जो भावना हमारी संत शिरोमणि की है उससे हम दूर होते चले गए। और अभी आपने देखा कि जो गुरुघर तोड़ा गया है, मैं मानता हूँ कि गुरुघर के अलावा इस बहुजन समाज के ऊपर कब तक इसी तरीके के अत्याचार होते रहेंगे? देखिए, ये निश्चित है, जब तक हमारा बहुजन समाज इकट्ठा नहीं होगा, अत्याचार होंगे। आपने देखा है कि जब जब हम बिखरते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम पिटेंगे। आप सब तरीके के अधिकार चले गए, अभी आपने कल का देखा होगा, आज के पेपर में आया है कि 2 अप्रैल को जो कानून बना था, 2 अप्रैल के बाद में, घटना के बाद में जो एक इतिहास रचा था, 30-32 करोड़ लोग जो रोड पर आए थे, उस समय के जो कानून बना दिया, अब उसको दोबारा से सरकार ने पुनर्याचिका डाली है। इसका मतलब है वो हमें साजिश के तहत हो सकता है ख़त्म करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। हमारी ये जो अत्याचार है या जो टुकड़ापन है या जो हमारा हम शोषण के शिकार हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अलग अलग विघटन हैं, हम एक जगह नहीं हो रहे हैं। और अगर इससे निजात पानी है तो एक ही रास्ता है, हम सबको बहुजनों को एक होना पड़ेगा, अपना राज स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका राज होता है उसकी बात मान। किस तरीके से अपना राज की बात कर रहे हैं, कौन से राज की बात कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, बहुजनों का राज जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ है, आज सुरक्षित है। आप देखिए कि हर तरीके से परेशान है, हर तरीके से दुखी है। आज हमें ऐसा दिखाया जाता है TV और न्यूज़ चैनल के, अखबारों के माध्यम से, कि एक रेड कारपेट पे आपने देखा होगा AC लगा हुआ है और एक ढोंगी इस देश का जो वहाँ पर कचरा बीन रहा है। अरे, अगर बीनना है तो हमारी दिल्ली में आ जाओ ना, देखो कितना कचरा पड़ा है, एक बार वास्तविक कचरे वालों से मुलाकात तो कर लो। ये आज वो चीज़ है कि इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को बना दिया है कि हम लोग अलग रहें और हम वास्तविक मूल में जाएं ना। आज अगर हमें हमारा धर्म बचाना है, गुरु घर बचाना है, या आगे की प्लानिंग बचानी है, हमारे भविष्य बचाने हैं बच्चों के, या हमारे अधिकार बचाने हैं और संविधान बचाना है, तो सबको एक होना पड़ेगा बहुजनों को। और एक और बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मैंने 19 तारीख को भी वहाँ पर तुगलकाबाद में कही थी, और मैं हर जगह कहता हूँ, एक बार मिलकर अपना राज बना लो, बहुजनों का राज बना लो। और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, आपके पास इस देश की राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की दिखती है, बसपा है, BSP है, और कोई है नहीं। और आप भी देख सकते हैं, कांग्रेस के पास PM उम्मीदवार नहीं है, तो दूसरा उम्मीदवार अगर PM का कोई है तो बहन जी से सिवा कोई नहीं है। एक बार बनाकर देख लीजिए, आपको UP के जो उत्तम प्रदेश बना था, जो उत्तर प्रदेश था, उत्तम प्रदेश जो बनाकर दिखाया था,
जो अधिकार सुरक्षित हुए थे, जो जिनके ज़मीनें नहीं थी वो ज़मीनें एक कलम पर मिल गई, जिनके रोज़गार नहीं थे उनको रोज़गार मिल गए, वो व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, एक बार आप अपनी सरकार बना लीजिए, एक बार हमारी अपनी बहुजन समाज की सरकार बना लीजिए, आपको अधिकारों के लिए रोड पर नहीं आना पड़ेगा, आपकी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगे, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल लोगों ने, मनुवादी लोगों ने बना रखा आरक्षण का, वो आरक्षण आगे आने वाले 100 साल तक सुरक्षित होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, आप एक बार सरकार बनाइए, अगर आपको ये लगता है कि मेरी बातें ठीक नहीं हैं, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और आपको फिर भी रोड पर आना पड़ेगा, तो मैं आपकी गुलामी करूँगा, आप कहोगे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, ये पूरी ईमानदारी से कहता हूँ। लेकिन हमारी एक ही नेता है बहन जी, बस हमें अपने कोई भी जो पर्सनली इच्छाएं हैं या किसी तरीके की हम लाइबिलिटी सोचते हैं कि हम इसे रख लेते हैं, उनको अगर पूरी नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात अधिकार और हमारे संविधान की बात है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, आज हम बटन कहाँ दबाते हैं, पूँह कहाँ निकलती है हमें पता नहीं है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, नहीं तो मनुवादी लोगों ने इस देश को इस मतलब गृह युद्ध की तरफ धकेल दिया जा रहा है। यहाँ पर इस देश के निश्चित रूप से अगर मनुवादी इसी तरह से हावी रहे और बहुजन अगर नहीं सुधरे तो ये देश टुकड़ों में बट जाएगा और ये हमारे देश के लिए बहुत गलत होगा। बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा, हम इस देश को बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो बहुजनों को एक होना पड़ेगा। और मैं सम्यक प्रकाशन पर हर बार आता हूँ, आप देखिएगा, मैं एक साथी के लिए पूना पैक्ट क्या है इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गांधी और कांग्रेस ने उस समय क्या किया था, मनुवादी लोग आपसे क्या चाहते थे, आपको कैसा बनाना चाहते हैं। दूसरी, आप जो सबसे बड़ी थीसिस जो 1916 में बाबा साहब ने पहली बार दी, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसका ये हिंदी रूपांतरण है जो आपका अनुवाद है, इसको हम बच्चों को देते हैं। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, एक और है जाति उत्पत्ति का भ्रम जाल, ये जाति उत्पत्ति, जब तक जातियाँ नहीं छोड़ोगे आप एक दूसरे कम्युनिटी से, आप जो नफरत करते हो अगर उसको छोड़ेंगे नहीं और आप अगर अपना प्रेम बनाए रखेंगे तो इस देश को भाईचारा बंधुत्व में बना पाएंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना कहती है, उसका सार कहता है। तो मैं चाहूँगा कि सब एक हो जाएं। आपके मैसेज श्याम भंडारी जिन्होंने बताया कि बहुजन, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।